गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक मेरास्मस, जो कि PEMN प्रोटीन एनर्जी मैल्न्यूट्रिशन का एक डिसऑर्डर है। कल हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा था कवासिकोर, आज जो रिसर्च करेंगे इसके बारे में हम वो है मेरास्मस। मेरास्मस इंट्रोडक्शन, मेरास्मस इज ए सीवियर टर्म ऑफ PEM। ये काफ़ी सीवियर टर्म होती है प्रोटीन एनर्जी मैल्न्यूट्रिशन की अकॉर्डिंग टू कवासिकोर। नेक्स्ट, इन दिस कंडीशन द सीवियर वेट लॉस अकॉर्डिंग टू एज, इसमें सीवियर वेट लॉस होता है अकॉर्डिंग टू एज, कितना होता है 50%, 50% वेट लॉस होता है इसमें अकॉर्डिंग टू एज। नेक्स्ट, डाइट्री प्रोटीन एंड कैलोरीज, यानी बहुत डाइट्री प्रोटीन, बहुत प्रोटीन कौन से, सोमेटिक एंड विसरल। बॉडी में दो प्रकार के प्रोटीन्स जो है स्टोर होते हैं, सोमेटिक एंड विसरल। जो सोमेटिक प्रोटीन्स है वे बॉडी के स्केलेटल मसल्स में स्टोर होते हैं, और जो विसरल प्रोटीन्स है वे बॉडी ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं। तो उनकी कमी लैक ऑफ बोथ डाइटरी प्रोटीन एंड कैलोरीज। नेक्स्ट जो उसमें होता है इनफर्टाइल एट्रोफी, इनफर्टाइल एट्रोफी ये किसी क्रम एज ऑल्सो इज इनफर्टाइल एट्रोफी, यानी किसी ऑर्गन की कमी, सॉरी किसी बॉडी के साइज में कमी आना, या सेल्स में अकॉर्डिंग टू साइज या सेल्स के, इसको कहते हैं इनफर्टाइल एट्रोफी। नेक्स्ट में बिलो जो ये मेरास्मस है 1 ईयर, जो 1 साल से छोटे बच्चे उनमें ये जो है डेवलप होती है कंडीशन मेरास्मस। तो मेरास्मस सीवियर टर्म ऑफ PEM इन प्रोटीन एंड मैल्न्यूट्रिशन, इस इन दिस कंडीशंस सीवियर वेट लॉस ऑफ 50% अकॉर्डिंग टू एज। नेक्स्ट, लैक ऑफ बोथ डाइटरी प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इनफर्टाइल एट्रोफी या अथरेक्सिया। नेक्स्ट है बिलो 1 ईयर चाइल्ड। नेक्स्ट है इसमें इटियोलॉजी किन किन कारणों से जो मेरास्मस है कंडीशन जो है डेवलप होती है। प्राइमरी कॉज, पहले प्राइमरी में इनएडिक्यूट डाइट विद क्वांटिटी, आर्टिफिशियल फीडिंग विद क्वांटिटी, क्वालिटी फॉर्मूला फीडिंग, थर्ड इंफेक्शन जैसे GI।
प्राइमरी कॉज में पहला है इनएडिक्वेट विद क्वांटिटी, यानी जो डाइट है उसकी क्वांटिटी में कमी। दूसरा आर्टिफिशियल फीडिंग के साथ है, जो क्वालिटी दे रहा वो फॉर्मूला फीडिंग, यानी कुछ मिक्स्ड डाइट के साथ में कुछ मिक्स चीजें डाले, साथ में आर्टिफिशियल फीडिंग और जिसके कारण से जो है जो न्यूट्रिशन है का लेवल डिक्रीज होता है, जिसके कारण से वेरासिस कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट इन्फेक्शन जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो ये है प्राइमरी कॉज। अब लेते हैं सेकेंडरी कॉज, पहला है एज, एज के अकॉर्डिंग इट इज कॉमनेस्ट द फाइंडिंग देन इन्फेंट, इन इन्फेंट देन ओल्डर ओल्डर चिल्ड्रन या टोडलर, यानी इन्फेंट से ज्यादा पाए जाते हैं टोडलर या ओल्ड चिल्ड्रन के मुकाबले। सेकेंड जो कारण है क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट और इनके कारण डिक्रीज लेवल ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट है सर्टन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण क्या होता है कि जो है न्यूट्रिशन डिस्टर्बेंस हो जाता है लेवल। नेक्स्ट इसमें लास्ट है सीरियस ऑर्गेनिक जैसे कि लंग्स किडनी एंड हार्ट कंडीशन होती है कैंसर, उनमें जो है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है। तो ये होंगी इटियोलॉजी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, एक तो जो कंडीशन है वेरासिस में अकॉर्डिंग टू क्लासिक वो होता है इसमें जो इडिमा है वो एब्सेंट होता है, देन क्लासिक ओर, और क्लासिक ओर में एडिमेटस मैल्न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो ये जो कंडीशन है हम जो पसंद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में पहले हैं क्लासिफिकेशन को जो लॉस ऑफ फैट है उसको अकॉर्डिंग टू ग्रेड डिवाइड किया गया है। ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड फोर्थ। ग्रेड फर्स्ट क्या होता है लॉस ऑफ फैट एक्जिला एंड ग्रोइन, सेकेंड में एक्जिला एंड ग्रोइन इवन विथ एब्डोमेन एंड जो ग्लूटियल रीजन है उसमें भी चार पे इंक्लूड होता है। थर्ड जो है ग्रेट उसमें देन ग्रेट फर्स्ट एंड सेकेंड विथ
चेस्ट एंड स्पाइनल जो एरिया है वो साथ में इंक्लूड होता है जो फैट लॉस होती है। देन फोर्थ में टोटल बुकल पेट लॉस ऑफ बुकल पेट में पूरी बॉडी की जो मसल्स का है लॉस हो जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द मिरास्मस ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देते हैं आपके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में दो टाइप्स के हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन वाली कंडीशन, हाइट वेट एंड लेंथ जो कंडीशन है उसमें होती है। दूसरा जो है लॉस ऑफ मसल्स या वेस्ट ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ सर्कुलेशन टिश्यू एंड एब्सेंस ऑफ एडिमा, ये हो गए एसेंशियल कंडीशन जो क्लिनिकल फीचर्स में सिम्पटम। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में जैसे क्लासिक कोर्स में था कि हेयर चेंजेस उसमें तो अवेलेबल थे पर उसमें हेयर जैसे कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट में स्किन, स्किन जो होती है इसके लिए ड्राई एंड लूज फोल्ड इसमें एंड लॉस ऑफ आर्म ऑफ फ्रंटल मसल्स, पूरी बॉडी के लूज फोल्ड होते हैं पूरे आर्म्स पर होते हैं जो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है इन्फेक्शन, एडेड इन्फेक्शन, सुपर एडेड इन्फेक्शन, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या स्किन इन्फेक्शन है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डायरिया वोमिटिंग स्किन इन्फेक्शन सेप्टिक में कंडीशन और ये जो होती है। नेक्स्ट में होता है जो जो लीवर है वो लीवर यूजली सरंग होता है, सरंग यानी सुकड़ा होता है। कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ये जो कंडीशन डेवलप होती है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हाई लेवल में प्रोटीन एंड कैलोरीज की डेफिशिएंसी के कारण लीवर यूजली सरंग हो जाता है। एंड साइकोमोटर जो चेंजेस होते हैं जैसे कि इरिटेबिलिटी है, लेथार्जिक कंडीशंस है एंड एपैथी है, मिसरेबल एपिडेमिस है। अब इसमें जो मेन जो फीचर्स है सिम्टम है वो होता है इसमें कैलोरी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी है, साथ में डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन। तो ये आपके हो गए नॉन एसेंशियल फीचर्स या साइन ऑफ सिम्टम्स। देन स्टार्ट विद मिरास्मस, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल फीचर्स। देन डिस्कस इज मैनेजमेंट। टुमारो क्लास, थैंक यू।